ये अब हम इसमें हमने नॉर्मल ऑयल डाला है और इसमें हम प्याज डालेंगे अभी ताकि एक मिक्सचर सा इसका बना सकें। अच्छा ये हमने प्याज इसको ब्राउन कर लिया है तो अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। पानी के साथ हम इसमें जीरा डालेंगे, ये इसी डाले तक इसका टेस्ट अच्छा हो और इसके साथ ही हम इसमें इलायची वो हम इसमें डालेंगे ताकि खुशबू का एहसास भी हो जाए, थोड़ा जायका भी अच्छा हो। तो मैंने एक से दो इलायची इसमें डाली और साथ ही हम इसमें नमक के बगैर वाला जो मक्खन है वो हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे पकाएंगे। माशाल्लाह इस मक्खन के से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है कि बंदा इसको सूंघता ही रहे। अब इसमें हमने ये बादाम है ये डाले, जब ये गुड़ के चावल में डाले जाते हैं तो उसका मज़ा भी दोबारा हो जाता है। अच्छा इसको बनाने के लिए हमें ये शीरा चाहिए होता है जिसमें 6 गिलास जो है वो हमने पानी डाला है, 1 किलो हमने गुड़ डाला है और 2 गिलास हमने दूध डाले हैं और इसको हमने आग पर इसको पकाया है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर बाद में जब हमारे चावल बनेंगे तो हम आपको दिखाएंगे ये फिर हम उसमें यूज़ करेंगे। अच्छा अब ये जो हमने शीरा बनाया है हम इसमें डालने लगेंगे। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन एक मिक्सचर सा बन गया है। अभी इसको थोड़ा और पकाएंगे तो उसके बाद इसमें चावल डालेंगे। अच्छा ये हम अब इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन 1 स्पून है, 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। अच्छा इसके बाद हम इसको एक कवर कर देंगे तो इस आग पर पकने देंगे। अच्छा ये आप देखिए कि हमने जो चावल रखे थे इसको हमने आग पर तेज़ आग पर इसको पकाया तो ये इसका पानी अभी खुश्क होने लगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे देखेंगे। ये भी हम इसको बस दम लगाएंगे तो उसके बाद हमारा इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। अच्छा ये हमारा अब चावल का पानी सूख गया था तो अब हम इसको दम पे रख रहे हैं और वही बात है कि इसको ये चीज़ देखनी है कि जो आग है वो आपने हटा कर जो कोयले हैं उस पर आपने इसको दम लगाना है और इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए लगाएंगे क्योंकि सेला चावल जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो फिर आधे घंटे बाद आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल प्रिपरेशन। अच्छा ये देखिए हमारे गुड़ वाले चावल तैयार हो गए तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं ये कैसे बने। अब मैं चम्मच तो यूज़ नहीं कर रहा, हाथ से इसको चेक करूँगा। बहुत मज़ेदार है। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी कोई ट्राई करेंगे फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और रेसिपी ट्राई करूँ तो मुझे ज़रूर इस पर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।